हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं 200 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा हूँ फॉर SBI PO 2020 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। मैं SBI PO हो गया, SBI क्लर हो गया, IPS PO हो गया, SBI IPS PO हो गया, RRB क्लर हो गया, RRP हो गया। सारे एग्जाम्स के लिए मैं कुछ जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इससे पहले मैंने अप्रोक्सीमेशन करा है, इससे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन करा चुका हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन करा चुका हूँ, रीजनिंग के भी सारे पार्ट्स में करा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए, प्रॉपरली ध्यान दीजिए मैं क्या टॉपिक करा रहा हूँ। आज मैं टॉपिक करा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मिनिमम 5 मार्क का वेटेज रहता है इसका एग्जाम्स के अंदर, वो काफ़ी बेनिफिट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आप लोग को साइनिंग मेथड अच्छे से आ गए, तो आप लोग विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर आप लोग 5 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 625 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू 676 है कि नहीं। ये इक्वेशन दिया है कि नहीं। अभी देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, ऑब्वियसली बात है किसी न किसी का स्क्वायर दिया है। 2625 जो है 25 का स्क्वायर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू नहीं है, खाली एक्स है, तो यहाँ पर एक ही अमाउंट आने वाला है, वो है आने वाला है प्लस 25 का, ठीक है। यहाँ पर 626 दिया है, तो ऑब्वियसली पता है 626 किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का वैल्यू दिया नहीं, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आएगी, वो आएगी प्लस 26 की, ठीक है। अभी कंपेयर करना है, 26 बड़ा है कि 25 बड़ा है, दोनों प्लस में साइन दिया है, तो 26 बड़ा है एज कम्पेयर 25, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। पांचों क्वेश्चन में से ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा जो स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट पर रहेगा, और काफ़ी इजी रहेगा। बस हम लोग को पता चलना चाहिए कि किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब रूट है, ठीक है। इतना बेसिक आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा एक क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन दिया है, प्लस के साइन है, दोनों अमाउंट जो मिलेंगे माइनस एम माइनस में मिलेगी, इतना कंफर्म है। यहाँ माइनस और प्लस के साइन है, दोनों अमाउंट जो मिलेंगे प्लस एम प्लस में मिलने वाले, इतना कंफर्म है। अभी देखिए, 2 2 जा 4 आता है, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। -2 -2 मिला, ठीक है। एक सिंगल माइनस 2 लिख के रख देते हैं, ठीक है, ओके, समझा यहाँ तक। अभी ऐसे दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने से 16 आता है और एडिशन करने से 8 आता है, तो 4 4 16 आता है, +4 and +4, ओके, +4 and +4। देखिए, तो एक सिंगल प्लस 4 आएगा। अभी देखिए, प्लस 4 बड़ा है कि माइनस 2 बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है प्लस में अमाउंट कितनी भी छोटी रहेगी एज कम्पेयर टू माइनस की बड़ी वैल्यू से, प्लस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या मिलेगा हमें, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी क्या मिला हमें, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। आया सब मैं कैसे सॉल्व करा है, एकदम ईजी वे में समझा रहा हूँ आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 156 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस के साइन है, दोनों अमाउंट जो मिलेगी प्लस प्लस में मिलेगी, ठीक है। माइनस प्लस के साइन है, दोनों अमाउंट जो मिलेगी प्लस प्लस में मिलेगी, ठीक है। ऐसे दो नंबर बताइए जिसका एडिशन करने से 19 आता है, मल्टीप्लाई करने से 84 आता है। 12 7 जा 84, 12 प्लस 7 19 आता है, ठीक है। दो अमाउंट मिल गए, वैसे यहाँ पर भी दो अमाउंट बताने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने से 156 आता है और एडिशन करने से 25 आता है, तो 12 और 13, 12 13 जा 156 आता है, ठीक है। तो 12 और 13 मिल चुके, ठीक है। अभी प्लस 12 से कंपेयर किया तो इक्वल आता है कि नहीं। प्लस 12 को प्लस 13 से कंपेयर करो तो +13 बड़ा है कि नहीं। फिर +12 को +7 से कंपेयर करो तो +12 बड़ा है। फिर +12 को +7 से एक्चुअली देखिए, +12 प्लस 13 यहाँ पर इक्वल आता है, बाकी जगह ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, y इज ग्रेटर और इक्वल टू x, ठीक है। सिंगल भी ग्रेटर इक्वल आ गया तो वहाँ पर आंसर हमेशा आता है y इज ग्रेटर और इक्वल टू x, ठीक है। आया सब में, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 30x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 42y स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन दिया है ना, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 30, 42 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 42। ऐसे दो नंबर बताइए जिसका एडिशन एडिशन से 11 आता है, मल्टीप्लाई से 30 आता है, ठीक है। तो 6 एंड 5
सिक्स एंड फाइव आता है कि नहीं, दोनों को 30 से डिवाइड करो, हो सकता है। यहाँ भी दो नंबर बताइए जिसका एडिशन, सॉरी माइनस माइनस के अमाउंट है यहाँ पर, तो ये भी दो अमाउंट जो है माइनस माइनस में आने वाले, तो 42 इंटू 1 42, तो दो नंबर क्या मिलेगा, सिक्स एंड सेवन मिलेगा, सिक्स सेवन से 42 और सिक्स प्लस सेवन 13, माइनस माइनस प्लस आर, दोनों को 42 से डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ 3 को मैं 0.02 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पर 1 आएगा पहले, तो 0.1 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 6 3 से 18, तो 0.6 कुछ तो चलता रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 42 को अगर मैं 60 ले लूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद तो 3 आ जाएगा, ओके। नहीं नहीं एक्चुअली देखो 42 इंटू 1 42, 60 में से 42 है तो 180 आता है, तो 5 2 से 10 4 2 से 8 4 16, तो यहाँ पर 0.14 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 42 वन सा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा वापस, यहाँ पर वही आ जाएगा, ठीक है, 14, तो 0.14 आएगा, ठीक है। 0.02 माइनस साइन है तो ये तो बड़ा है इन दोनों से, लेकिन 0.6 भी जो है वो इससे छोटा है, ठीक है। तो ग्रेटर और स्मॉलर के साइन आ रही है ना, तो ग्रेटर और स्मॉलर के साइन आती है वहाँ पर आंसर हमेशा आता है सी एन डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, द रिलेशन बिटवीन दिस टू इक्वेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें, सी एन डी मिला। सी एन डी का एक सिंबल दिखा था आप लोगों, सिंबल ऐसा होता है जैसे अभी क्वेश्चन में ऐसा ग्रेटर स्मॉलर साइन दिखता है ना, वैसे एक सिंबल होता है उसको हम सी एन डी बोलते हैं। देखिए ये सिंबल रहेगा, इस सिंबल को, ये सिंबल का मतलब रहता है सी एन डी, तो दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 12x² + 7x + 1 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 6y² + 5y + 1 = 0। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। ऐसे दो नंबर बताइए जिसका एडिशन से 7 आता है, मल्टीप्लाई से 12 आता है, तो 3 4 3 + 4, दोनों 12 से डिवाइड कर लो, ओके। तो 0.12 = 24, 12 5 = 60, 12 2 = 0.1, 12 3 = 36, एंड इसके बाद 12 0.33 चलता रहेगा 6। तो यहाँ पे दो हमने बताए, 3 और 2 आ जाएगा, दोनों को 6 से डिवाइड करो, तो 0.5 इधर आ जाएगा, 6 3 = 18, यहाँ 0.3 चलता रहेगा। -0.3 - 0.3 इक्वल में है, ठीक है। -0.25 और -0.5 कौन बड़ा है इसमें, माइनस में दोनों साइन है, तो 0.25 बड़ा रहेगा, ठीक है। -0.25 जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, x > x। आखिरी क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें, x > x। आया समझ में कैसे सॉल्व हो रहा है, एकदम इजी वे में समझाया आप लोगों को, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप लोग के लिए सिलेक्शन अड्डा हमेशा से रेडी है, ठीक है, कुछ भी डाउट और क्वेरी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।